और एक बड़ी खबर, पाकिस्तान के समर्थन को लेकर स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। नव भारत पर स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। पाकिस्तान के समर्थन का कांग्रेस ने खंडन नहीं किया, पहले भी कांग्रेस के नेता पाकिस्तान से गुहार लगा चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के चुनाव में दूसरे देश का हस्तक्षेप क्यों, पाकिस्तान में ही कांग्रेस पार्टी के इतने समर्थक क्यों है, ये सवाल उन्होंने उठाया है। साथ ही स्मृति ईरानी ने पीएम मोदी के इंटरव्यू में मुस्लिमों के साथ कांग्रेस के भेदभाव और रायबरेली में प्रियंका गांधी के पहुंचने को लेकर भी सवालों के जवाब दिए। ने टाइम्स अनुवाद पर इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि देश के मुसलमानों को आत्ममंथन करना चाहिए, कांग्रेस ने इतने सालों से उनको ठगा है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी के टाइम्स नाउ के इंटरव्यू को राष्ट्रभर के सभी नागरिकों को देखना चाहिए। एक बड़ी स्पष्टता से उन्होंने सभी मुद्दों पर अपने विचारों को साझा किया, लेकिन जहां तक कि एक वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात है, ये सत्य है कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा मुस्लिम समाज को एक वोट बैंक और पॉलिटिकल टूल और इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल किया कांग्रेस पार्टी ने, अगर वाकई में कांग्रेस पार्टी मुस्लिम समाज के प्रति समर्पित भावना से काम कर रही होती तो क्या उस समाज में आज भी चुनौतियां होती? तो आज समय है कि हर समाज वर्ग हर समुदाय को ये मंथन करना चाहिए कि जब नरेंद्र मोदी कहते हैं पूर्ण विकसित राष्ट्र हो हमारा, जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, इसका मतलब राष्ट्र के हर नागरिक का इसमें बेनिफिट है, राष्ट्र के हर परिवार का इसमें उत्थान है, तो हम क्यों बटकर आगे बढ़े, हम सब मिलकर आगे बढ़े और इस प्रकार की वोट बैंक की राजनीति को समर्थन ना दे। आप कह रहे थे कि हम पहले कांग्रेस के पिता से लड़ते थे, अब पाकिस्तान का भी उनको समर्थन मिल रहा है। ये सत्य है कि कांग्रेस पार्टी ने अब तक इस बात का खंडन नहीं किया है कि पाकिस्तानी नेताओं ने उनका समर्थन किया, और ये पहला चुनाव नहीं है जब कांग्रेस को पाकिस्तान से चुनाव में समर्थन मिला हो। इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी के नेता ने पाकिस्तान में जाकर गुहार लगाई थी कि उनको नरेंद्र मोदी से बचाने की जरूरत है। तो मेरी समझ में नहीं आता, ये भारत के लोकतंत्र की प्रतिक्रिया और प्रक्रिया है, तो इसके मध्य में कांग्रेस पार्टी अगर किसी और देश से हस्तक्षेप देखती है तो उसका खंडन क्यों नहीं करती, और विशेषता पाकिस्तान में ही कांग्रेस पार्टी के इतने समर्थक क्यों है। एक आखिरी सवाल है, प्रियंका गांधी भी आ गई है कल से, वो अमेठी रायबरेली में रुकी हुई है, करेंगे मेगा प्लान तैयार किया उन्होंने कैंपेन करने के लिए अमेठी और रायबरेली में। तो लगा मेरी कोई औकात नहीं है, यही कहा था ना कांग्रेस पार्टी ने कि मेरी कोई औकात नहीं है, अगर मेरी कोई औकात नहीं है तो इतने बड़े बड़े दिग्गज क्यों आ रहे हैं। और मेरा ही मानना है लड़ना होता है तो कायर की तरह पर्दे के पीछे छिपके नहीं लड़ना होता, टिकट लेते लड़ते सामने सामने हो जाता दो।